जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी क्वार्टरमार से जनरल ब्रांच कैंटीन सर्विसेज डायरेक्टर की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं 6 जनवरी 2023 को। और इस साल यानी कि 2023 में सीएचडी बेनिफिशियरीज के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उनको इजी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग इसका हेडिंग भी देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका, रिसेंट इंसेंटिव एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन सीएचडी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल यूआरसीज एंड सीएचडी बेनिफिशियरीज। जितने भी सीएचडी बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए जो सरकार की तरफ से हाल ही में इंफॉर्मेशन और निर्देश जो दिए गए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। 17 ऐसे बदलाव हैं जिनकी जारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और उसकी कॉपी संबंधित जो भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको यहाँ पर भेज दी गई है। सबसे पहले जो यहाँ पे है कि वेटनर्स फ्रेंडली इंसेंटिव, जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर फ्रेंडली बनाया गया है। सबसे पहले है कि परचेज ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्विड फ्रॉम एनी यूआरसी, सीएचडी बेनिफिशियरीज आर नाउ अलाउड टू परचेज बोथ ग्रोसरी एंड लिक्विड फ्रॉम एनी यूआरसी। जितने भी सीएचडी बेनिफिशियरीज हैं वहाँ अब किसी भी कैंटीन से, यानी पूरे भारत में आप कहीं भी किसी भी कैंटीन से ग्रोसरी और लिक्विड खरीद सकते हैं। दूसरा है कि 2 मंथ कोटा, ऑल सीएचडी बेनिफिशियरीज कैन बाय 2 मंथ कोटा ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्विड इन 1 मंथ। अब आप एक महीने में, उस महीने के अलावा आगे जो महीने आने वाला है उसका भी एडवांस में आप ग्रोसरी और लिक्विड ले सकते हैं। एनुअल रिन्यूअल ऑफ सीएचडी स्मार्ट कार्ड, एनुअल रिन्यूअल ऑफ सीएचडी स्मार्ट कार्ड फॉर ईएसएम डिफेंस सिविलियन एंड डिपेंडेंट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। जो एनुअल रिन्यूअल होता था सीएचडी स्मार्ट कार्ड का, उसको जो भी ईएसएम है, डिफेंस सिविलियन है, इंडिपेंडेंट है, उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्ड अप्लीकेशन प्रोसीजर, जो कार्ड अप्लीकेशन प्रोसेस है उसको बहुत ही सिंपली कर दिया गया है। अप्लीकेशन ऑफ सीएचडी स्मार्ट कार्ड टू बी सेल्फ सर्टिफाइड एंड काउंटरसाइंड बाय कैंटीन ऑफिसर्स इटसेल्फ, ओनली कॉपी ऑफ पीपीओ आपको देना होगा। उसके अलावा डिस्चार्ज बुक इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड, और डिस्चार्ज बुक की जो कॉपी है वहाँ अटैच करनी होगी, और आप अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ सर्टिफाइड करके, काउंटर सिग्नेचर आपको कैंटीन जो ऑफिसर हैं उससे कराने होंगे। उसके लिए यहाँ पे जो आगे पॉइंट है, ग्रेटिस सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर वारुडो एंड एनोकी ऑफ बीसी, परचेज ऑफ एफडी आइटम्स, जो भी एफडी आइटम्स हैं उनको आप ऑनलाइन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, और उसका जो ऑनलाइन पोर्टल है fd.cihdindia.gov.in के माध्यम से आप कोई भी सामान है उसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, परचेज ऑफ 4 व्हीलर्स, लिमिट ऑन परचेज ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रू सीएचडी हैव बीन इन्हेंस्ड, यानी कि उसको बढ़ा दिया गया है लिमिट को। ऑफिसर्स कैन नाउ परचेज कार कॉस्टिंग अप टू 20 लाख, ऑफिसर 20 लाख रुपए के तक की गाड़ी खरीद सकते हैं, जिसे उस 10 लाख तक की कार खरीद सकते हैं, और ओवर 8 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। पहले यहाँ जो लिमिट थी वहाँ कम थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है। एडिशनल 5 लाख लिमिट फॉर परचेज ऑफ ईवी, यदि आप ईवी खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनल यहाँ पर हर कैटेगरी में, यानी कि जितने भी यहाँ पर लिमिट है उसके अलावा 5 लाख ज़्यादा लिमिट की गाड़ी आप खरीद सकते हैं। पीरियोडिसिटी ईएफटी लेस 4 व्हीलर्स वेब 1 सितंबर 2023, सीएडी बेनिफिशियरीज कैन बाय 2 TB एंड 4 ACs इन ब्लॉक पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के अंतर्गत आप 2 TB और 4 AC खरीद सकते हैं। पहले यहाँ आइटम जो है टीवी आप 4 साल में जो है 1 खरीद सकते थे, और AC आप 2 खरीद सकते थे, इसको अभी बढ़ा करके टीवी 2 और AC 4 कर दिया गया है। परचेज ऑफ AFD2 आइटम्स कैन नाउ बी बॉट फ्रॉम लिक्विड एंड डिपेंडेंट कार्ड ऑल्सो, यानी कि आप जो लिक्विड कार्ड है उस पर भी आप अभी AFD आइटम खरीद सकते हैं, या फिर डिपेंडेंट कार्ड है उससे भी आप अभी AFD आइटम खरीद सकते हैं, पहले यह सुविधा नहीं थी। सीएचडी स्मार्ट कार्ड रिलेटेड इंसेंटिव्स क्या क्या लिए गए हैं यहाँ पे, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि ऑनलाइन पोर्टल फॉर सीएचडी स्मार्ट कार्ड्स एग्जिट, सीएचडी स्मार्ट कार्ड होल्डर्स कैन नाउ अप्लाई फॉर न्यू कार्ड्स ऑनलाइन एंड गेट,
यानी कि आप अपना जो न्यू कार्ड के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जो इसका की लिंक एड्रेस बताया गया है पे csdsmartcard.co.in के माध्यम से आप अपना नया स्मार्ट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। एक्टिवेशन ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड, सीएसडी कार्ड कैन नाउ बी एक्टिवेटेड फ्रॉम एनी कैंटीन सेटेड ऑफ डिपेंडेंट ऑब्लिक पेरेंट कैंटीन। अभी आप जो सीएसडी का जो कार्ड है उसको आप कहीं से भी एक्टिवेट करा सकते हैं। पहले यहाँ पेरेंट कैंटीन से ही एक्टिवेट कराना पड़ता था। यह जो पॉइंट है यहाँ पे कि ऑफिसर्स कैडेट एट ट्रेनिंग एकेडमिक्स परमिटेड पर्सनलाइज सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर परचेज ऑफ ग्रोसरी 5000 पर मंथ एंड EFT 20000 रुपये पर ईयर के हिसाब से जो ऑफिसर्स कैडर हैं वहाँ सामान खरीद सकते हैं। अग्निवीर और जो स्टूडेंट ऑफ सैनिक ऑब्लिक मिलिट्री स्कूल के हैं उनको भी यहाँ पर 3500 रुपये तक का वो अपना स्टील कार्ड के माध्यम से ग्रोसरी परचेज कर सकते हैं। न्यूली कमीशन ऑफिसर और अग्निवीर जो है उनको ग्रोसरी एंड लिक्विड कार्ड एट रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग एकेडमिक एंड सेंटर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद उनको कार्ड दिया जाएगा। फॉर यूआरसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रोविजन डिमांड सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा एनुअल टर्नओवर लिमिट के बारे में बताया गया है कि ATOL यानी कि एनुअल टर्नओवर लिमिट ऑफ यूआरसी हैज़ बीन इंक्रीज्ड 75%। जो एनुअल टर्नओवर लिमिट है यूआरसी का यूनिट कंटेंटेंट का उसको 75% तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है जिससे कि सभी को सामान मिल सके। उसके अलावा यहाँ जो मेन चेंजमेंट किया गया है कि इंडेंट्स ऑफ यूआरसी टू बी काउंटर साइन बाय COOC यूनिटेड ऑफ ब्रिगेड ऑफ स्टेशन कमांडर। पहले जो भी डिमांड जाती थी उसके लिए ब्रिगेडियर और स्टेशन कमांडर से साइन कराना पड़ता था, काउंटर सिग्नेचर कराना पड़ता था, लेकिन अभी CO या फिर OC यूनिट को यहाँ अथॉरिटी दी गई है कि वहाँ काउंटर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो कि यूनिट रन कैंटीन के अंतर्गत जितनी भी 17 फैसिलिटीज़ दी गई है 2023 के अंतर्गत उनकी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, क्या क्या उसमें बदलाव किए गए हैं और क्या जो है बेनिफिशरीज़ को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। इतनी जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर के, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।